वीडियो में हम बात करने वाले हैं समंदर के दो सबसे भयानक शिकारियों के बारे में, जो आकार में तो बड़े हैं ही और साथ में उनकी जबरदस्त रफ्तार और काटने की क्षमता भी आपको हैरान कर सकती है। प्रकृति इतनी अद्भुत है कि कभी कभी तो इसे समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो आज के इस वीडियो में हमने शामिल किया है ग्रेट व्हाइट शार्क और किलर व्हेल को। पूरी दुनिया में लगभग 50,000 किलर व्हेल मौजूद है, जबकि ग्रेट व्हाइट शार्क सिर्फ 3,500 के आसपास ही है। किलर व्हेल डॉल्फिन प्रजाति की सबसे बड़ी मछली है। इसका वजन 5,000 किलो तक होता है और इसकी लंबाई 5 से 9 मीटर तक होती है, जबकि ग्रेट व्हाइट शार्क का वजन 1,100 किलो तक होता है और लंबाई सिर्फ 4 से 6 मीटर तक होती है। और ग्रेट व्हाइट शार्क शार्क प्रजाति की मछली है। इस दोनों मछलियों का दबदबा लगभग पूरे महासागरों पर है। ये समंदर के लगभग हर कोने में आपको मिल सकती है। हर साल लगभग ग्रेट व्हाइट शार्क के 100 से भी ज्यादा हमले इंसानों पर होते हैं। पर मजे की बात तो यह है कि ग्रेट व्हाइट शार्क की फूड लिस्ट में इंसान शामिल नहीं है। दरअसल ग्रेट व्हाइट शार्क इंसान को सी लायन या फिर कोई दूसरा समुद्री जीव समझ बैठती है और वह हमला कर देती है। ग्रेट व्हाइट शार्क एक किलर मशीन की तरह है। इसके काटने की ताकत समंदर में सबसे ज्यादा है। इसका एक छोटा सा हमला भी बड़ा जख्म दे सकता है। ग्रेट व्हाइट शार्क की तुलना में किलर व्हेल ज्यादा खूबसूरत होती है और किलर व्हेल की फूड लिस्ट में भी इंसान शामिल नहीं है। पर आपको उसकी खूबसूरती पर नहीं जाना चाहिए। किलर व्हेल 56 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आप पर हमला कर सकती है। ग्रेट व्हाइट शार्क की रफ्तार भी लगभग 24 किलोमीटर पर आवर की होती है। दोनों ही मछलियाँ काफी ज्यादा समझदार होती है। ये दोनों मछलियाँ 5 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को पहचान लेती है। अपने शिकार का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणों का उपयोग करती है। यहाँ तक कि ये इंसान के दिल के धड़कन को भी महसूस कर सकती है। दोनों ही जानवरों से समुंदर का लगभग हर जीव डरता है। इनके इतने खतरनाक होने के पीछे का राज इनकी रफ्तार, काटने की ताकत और शिकार करने की जबरदस्त रणनीति है। पर क्या होगा जब ये दोनों जानवर आमने सामने होंगे? हम आपको पहले ही बता दें कि जीत किलर व्हेल की होगी। पर क्यों? ग्रेट व्हाइट शार्क भी तो बहुत खतरनाक है और शार्क तो समुंदर के राजा होते हैं। फिर किलर व्हेल कैसे इनको हरा सकते हैं? तो इसका जवाब है किलर व्हेल की शिकार करने की रणनीति। समुद्री किनारों पर कई बार शार्क के मरे हुए शव पाए गए हैं जो किलर व्हेल का शिकार हुई थी। शायद आपको पता नहीं है, पर हम आपको बता दें कि डॉल्फिन दुनिया के सबसे समझदार मछलियाँ होती है और किलर व्हेल भी तो डॉल्फिन प्रजाति की ही है। मतलब किलर व्हेल ग्रेट व्हाइट शार्क से ज्यादा समझदार है। किलर व्हेल को सिर्फ पौष्टिक खाना पसंद है। किलर व्हेल को पता होता है कि शरीर का कौन सा भाग ज्यादा पौष्टिक होता है। किलर व्हेल की शिकार करने की रणनीति यह होती है कि कैसे भी करके वह शिकार को गुमराह करते हैं ताकि शिकार डर जाए। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए किलर व्हेल पानी में बुलबुले छोड़ती है, जिससे छोटी मछलियाँ उन बुलबुलों को एक दीवार समझती है और उनमें फंस जाती है। पर ग्रेट व्हाइट शार्क को पता होता है कि बुलबुले बुलबुले होते हैं, कोई दीवार नहीं। इसलिए किलर व्हेल एक नया तरीका अपनाती है शिकार करने का। किलर व्हेल झुंड में रहती है। जैसे ही ग्रेट व्हाइट शार्क उनके संपर्क में आती है, किलर व्हेल एक जोरदार प्रहार करती है पानी पर, जिससे पानी में बहुत ही तेज आवाज और वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, जिससे ग्रेट व्हाइट शार्क सुनना पड़ जाती है। मतलब शार्क अपना आपा खो बैठती है। जब तक उसे होश आता है तब तक तो उसका काम तमाम हो चुका होता है और इसी वजह से समुंदर की दुनिया के राजा की हार होती है और किलर व्हेल समुंदर के सबसे खूंखार जीव बन जाते हैं। अगर आपसे कोई भी कहे कि भाई शार्क तो सबसे खतरनाक मछली होती है, तो उसे बोलना कि भाई तूने कभी किलर व्हेल के बारे में कुछ जानकारी हासिल की है? ऐसी बहुत सारी जानकारी पाने के लिए वाइल्ड लाइफ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले और उस पर आने वाले रोमांचक वीडियोस देखता चल। होशियार बनेगा तू सच्ची में। किलर व्हेल आकार में बड़ी है। किलर व्हेल के तैरने की रफ्तार भी ज्यादा है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये झुंड में रहती है और शायद इसीलिए ये इतनी खतरनाक है। लेकिन शार्क तो समुंदर के राजा होते हैं, फिर ये किलर व्हेल से क्यों हार जाते हैं? क्या शार्क को समुंदर का राजा ऐसे ही बना दिया? जानवर और दूसरे जानवरों के बारे में क्या सोचते हैं? ये हम इंसानों को नहीं पता। शायद
समुद्री जीव किलर रेल को अपना राजा मानते होंगे, तो फिर हम इंसानों ने शार्कों को समुद्री जीवों का राजा क्यों बनाया? जवाब बड़ा ही आसान है, किलर व्हेल बहुत ही कम हमले करती है इंसानों पर। ग्रेट व्हाइट शार्क इंसानों के लिए किसी काल से कम नहीं है। ग्रेट व्हाइट शार्क के एक छोटे से हमले से भी इंसानों की मौत हो सकती है। ग्रेट व्हाइट शार्क के जबरदस्त काटने की ताकत और उसका खूंखार पानी इसका मुख्य कारण है, इसीलिए यह समंदर के राजा है। यहाँ भी ये वैसा ही हो रहा है जैसा हमने शेर और टाइगर के बारे में बताया था। टाइगर शेर से भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन शेर जंगल का राजा होता है। इस पर हमने पहले ही एक वीडियो बना दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो। पहले इस वीडियो को पूरा देख लो, इस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब शायद आप समझ ही गए होंगे कि क्यों ग्रेट व्हाइट शार्क समुद्र के राजा होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके हिसाब से इस फाइट में विनर कौन होगा और कौन किसका खाना बनेगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बता देना। आपके कमेंट्स का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे।